हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के टेक में। आज हम फिर से आपके लिए नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि एडिडास वेयर हाउस लिमिटेड कंपनी है। इसमें दोस्तों ITI 10th और 12th सभी के लिए वैकेंसी लेकर दी है, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, सभी के इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ये भी अच्छी बात है दोस्तों। कंपनी अपना कैंपस प्लेसमेंट लगाने जा रही है गुड़गांव हरियाणा में। ये कैंपस 4 दिन रहने वाला है कम से कम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुँच कर जॉब पाए, जो भी इसमें जॉब करने के लिए इच्छुक हो। आइए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। कंपनी का नाम है एडिडास वेयर हाउस लिमिटेड कंपनी। क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी 10th 12th रहने वाली है। एक्सपीरियंस में 200 फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है दोस्तों। सैलरी में देखिए दोस्तों, आपको इन हैंड 10,300 रुपये मिलने वाले हैं। अटेंडेंस अवार्ड 1,000 रुपये है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा है। नाइट शिफ्ट अगर होगी आपकी तो 55 रुपये अलग से आपको मिलेंगे और ओवर टाइम में आपको 80 रुपये पर आवर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। डेली 4 घंटे ड्यूटी दोस्तों। PF ESI फंड बोनस है दोस्तों। सब कुछ फैसिलिटी कंपनी आपको दे रही है। जॉब प्रोफाइल में दोस्तों देखिए, पिकर की जॉब है, पैकर, स्कैनर, क्वालिटी चेक, ये सब आपकी जॉब रहने वाली है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में आपको देखिए दोस्तों, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5, ये सब की जरूरत पड़ेगी। COVID-19 गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है दोस्तों। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। इंटरव्यू का एड्रेस तो है दोस्तों आपका VPO नरेड़ा, डिस्ट्रिक्ट पटौदी, गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला है दोस्तों। कैंपस आपका 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक लगातार चलेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो नीतीश यादव सर, इनका ये नंबर है, और कुलदीप सर, इनका ये नंबर है, इस पर अपना रिज्यूमे सेंड कर सकता है और कंपनी में जा इंटरव्यू दे सकता है। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको बता दिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पहुँच कर नौकरी पाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। धन्यवाद।